हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रूटीन्स रिएक्शन। तो आज के वीडियो में जो है, पहली बात मैं बता दूँ, ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। जो सॉन्ग है वो है दिलराज ढिल्लों का, एंड मुझे सीरियसली इनके बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है, इनके सॉन्ग्स वगैरह के बारे में, बट मुझे इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है। सॉन्ग का टाइटल है ओ बंदे, तो पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एंड करेंगे बातें इस सॉन्ग को लेकर। स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो, रेडी 1 2 3 स्टार्ट। पंजाब दी वड्डी खबर, गैंगस्टर रिटर्न पॉलिटिशियन। ओ भाई, ये तो वही बंदे आ। मशहूर गैंगस्टर ग्रुप ने रखिया पॉलिटिक्स च पैर। देख पुत, तू 10 साल बाद पिंड आया, एदा दे बंदे तो दूर ही रही। उसको रोक रहे कि तू मत जाना वहां पे। ओ थाने ते जेमे अट काने जट दे, तेरी हाइट नालो लम्मे आ रिकॉर्ड बोल दे। ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆ ਟਕਾਣੇ ਜੱਟ ਦੇ, ਤੇਰੀ ਹਾਈਟ ਨਾਲੋਂ ਲੰਮੇ ਆ ਰਿਕਾਰਡ ਬੋਲਦੇ। ਹੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾੜਾ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੱਬਦਾ, ਤੇਰੇ ਜਿਹੇ ਵਹਿਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਚੰਡਿਆ। ਹੋ ਜਿੰਨਾ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇਰੀ ਬੇਬੇ ਰੋਕਦੀ, ਜੱਟ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦਿਆ। ਹੋ ਜਿੰਨਾ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇਰੀ ਬੇਬੇ ਰੋਕਦੀ, ਜੱਟ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦਿਆ। जहाँ जाने से वो रोक रही थी, वो वहीं का ही गैंग का एक बंदा है ऐसा कुछ। ਹੋ ਲਾਣੇਦਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਦਲੇਰੀਆਂ, ਪੈਂਦੇ ਪਰਚੇ ਜੱਟਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਚਾ ਚੜਦੇ। ਹੋ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਕੱਟਾ ਕੱਢ ਦਈਏ ਵੈਰੀ ਦਾ, ਪੁੱਤ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਇੰਜਣ ਰੀਝ ਨਾਲ ਕਰਦੇ। ਲਾਣੇਦਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਦਲੇਰੀਆਂ, ਪੈਂਦੇ ਪਰਚੇ ਜੱਟਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਚਾ ਚੜਦੇ। ਹੋ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਕੱਟਾ ਕੱਢ ਦਈਏ ਵੈਰੀ ਦਾ, ਪੁੱਤ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਇੰਜਣ ਰੀਝ ਨਾਲ ਕਰਦੇ। ਹੋ ਚਾਪਲੂ ਸੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਗਦੀ ਤਸੀਰ ਚ, ਅੜਬ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਠੰਡਿਆ। ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਏ ਸੰਮਣ ਪੁੱਠਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ, ਮੁੰਡੇ ਮੋੜਿਆ ਨਾ ਮੁੜ ਦੇਣੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਬਿੱਲ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਯਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਖੂਨ ਡੋਲਦਾ, ਜੈਲੀ ਸੰਸਾਰ ਸੰਧੂ ਬੈਲੀਆਂ ਉਹਦੇ ਪੀਰ ਨੇ। ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਏ ਸੰਮਣ ਪੁੱਠਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ, ਮੁੰਡੇ ਮੋੜਿਆ ਨਾ ਮੁੜ ਦੇਣੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਬਿੱਲ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਯਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਖੂਨ ਡੋਲਦਾ, ਜੈਲੀ ਸੰਸਾਰ ਸੰਧੂ ਬੈਲੀਆਂ ਉਹਦੇ ਪੀਰ ਨੇ। ਹੋ ਤੇਰੇ ਵੇਟ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਖਾਲੀ ਖੋਲ ਪਏ ਆ, ਪੁੱਤ ਮੰਗਵੇ ਸੰਧਾਨਾ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਟੰਗਿਆ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਹੋ ਜਿੰਨਾ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇਰੀ ਬੇਬੇ ਰੋਕਦੀ, ਜੱਟ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦਿਆ। ਹੋ ਜਿੰਨਾ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇਰੀ ਬੇਬੇ ਰੋਕਦੀ, ਜੱਟ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦਿਆ। ओके जी, तो ये था सॉन्ग, एंड जो रियल जट हैं उनकी शान दिखाई है इस पूरे सॉन्ग में, ठीक है। इतना तो मुझे भी समझ में आने लग गई है पंजाबी। एंड यस, मैं पहले एक चीज़ बोल दूँ कि कुछ लोगों के मुझे कमेंट्स आए जिन्होंने बोला है कि हमें लगता है आपको पंजाबी नहीं आती, तो ये कैसा रिएक्शन हुआ। तो मैं उन लोगों से एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि मैंने ये चीज़ें मैंशन नहीं की, मैं डे वन से ये चीज़ बोलते आ रही हूँ कि यस मुझे पंजाबी नहीं आती, मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है। बट यस, मैं ट्राई तो कर रही हूँ ना यार। आप ये देखो, मैंने इतने सारे सॉन्ग्स कर दिए हैं, 2 महीने अप्रॉक्स मुझे होने वाले, मैंने इतने सारे सॉन्ग्स के ऊपर रिएक्शन दिया है, एंड जितना मुझे समझ में आता है आप लोग, तो ओवरऑल मैंने देखा मेरी ऑडियंस जो है ज़्यादातर मेनली पंजाबीज ही है, उसमें 80%, तो आप लोग ज़्यादा जज कर सकते हो मुझे कि मैं कितना ज़्यादा सॉन्ग को ढंग से एक्सप्लेन करती हूँ। जितना मुझे समझ पड़ता है, जितना मुझे समझ में आता है, मैं उतना आप लोगों के साथ जो है सॉन्ग को डिस्कस भी करती हूँ। तो ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ना कि यार पंजाबी नहीं आती तो हम रिएक्शन नहीं दे सकते, क्योंकि मुझे ऐसे कमेंट्स आए हैं जिसमें से मैंने कुछ कमेंट्स रिमूव कर दिए, क्योंकि वो मुझे थोड़े से लग रहा था कि यार नेगेटिविटी मुझे नहीं चाहिए मेरे चैनल पे, तो इसलिए।
तो बात करते हैं अब इस सॉन्ग की. एनीवेज मैं पॉइंट से थोड़ा सा हट गई थी. तो इस सॉन्ग में मुझे ऐसा लगा जो मैंने पूरा सॉन्ग देखा उसको फील किया कि रियल जट की जो एक शान होती है वो दिखाई है. एंड सबसे ज़्यादा प्यारी चीज़ मुझे लगी स्टार्टिंग में जब उसकी मम्मी उसको रोकती हैं कि बेटा 10 साल बाद तो पिंड आया है तो अभी इन ऐसे लोगों से दूर रहे, इन लोगों से मत मिलना. वो या पता जिस जगह वो जाने से उसको रोक रही हैं अपने बेटे को, वो पूरे गैंग का लीडर ही उनका बेटा है. इस सॉन्ग में एक फर्स्ट लाइन थी कि जटों के ठिकाने जो हैं जमे हुए हैं थानों में भी, और तुम्हारी हाइट से बड़े मेरे रिकॉर्ड बहुत हैं. तो वो लाइन मुझे बहुत सही लगी इस वाले सॉन्ग में. और कहीं ना कहीं उन्होंने सॉन्ग में ये भी बोला कि भाई हमें जो है अपने पूर्वजों से, अपने बड़ों से इतनी दिलेरी मिली है ना कि मतलब हम लोग इतने दिल फेंक हैं एंड निडर हैं कि आज हम इसलिए गैंगस्टर भी माने जाते हैं. कहने का मतलब यही था कि मौका देख के जो है मतलब ठिकाने लगा देते हैं. तो रियल जट की यही है जो मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इसमें जट लाइफ एक्सप्लेन किया है उन्होंने. ये था सॉन्ग ओ बंदे. आई होप कि जिन्होंने मुझे सॉन्ग की रिक्वेस्ट की थी उनकी रिक्वेस्ट फुलफिल हो गई होगी. एंड जिन लोगों की रिक्वेस्ट रह गई है एंड जो लोग बार बार बोलते हैं कि हमने आपको रिक्वेस्ट किया, तो प्लीज़ आप समझो, आपको पता है आज में मैंने कम से कम 8 से 10 वीडियोज़ बनाए रिएक्शन के लिए. एंड मुझे 5 से 6 घंटे हो गए रिकॉर्ड करते करते. ये मैं बैक टू बैक शूट कर रही हूँ. तो यार आप लोग थोड़ा सा टाइम दो क्योंकि टाइमली, क्योंकि थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है वीडियो बना के, उनको एडिट भी करना होता है. तो प्लीज़ आप थोड़ा सा पेशेंस रखो. जिन लोगों की वीडियोस रह गई हैं मैं बैक टू बैक हर एक की रिक्वेस्ट देख रही हूँ. वीडियोस जल्द से जल्द अपलोड करने की भी कोशिश कर रही हूँ. तो आई होप कि आपको ये सॉन्ग, ये रिएक्शन वीडियो पसंद आया होगा. पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, लाइक करे बिना मत जाइएगा. एंड न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, और सब्सक्राइब के बराबर में बेल आइकन है उसको हिट कर देना. फ्यूचर में आपको तभी मेरी वीडियोज़ मिलेंगी. मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर.